मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। सुबह की ठंड ठंड में आप सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और बच्चों को भी नाश्ता करवा चुकी हूँ। अभी ठंड बहुत पड़ रही है दिल्ली में, तो टाइम टेबल रूटीन सब चेंज हो गया है। और अब मैं सुबह उठते ही नहीं नहाती हूँ, अब मैं लेट से नहाती हूँ। घर की सारी साफ़ सफाई सारा काम कर लूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो तब तक क्या करें, भूख भी तो लगती है, खाना भी पड़ना है। कब तक वेट करूँ, नीचे ऊपर दोनों फ्लोर है तो मुझे साफ़ सफाई सारा काम करना है। हाँ, पर पूजा जो है वो मैं नहीं छोड़ती, तो अब सुबह नहीं कर पा रही हूँ, पर शाम को मैं ज़रूर पूजा करती हूँ। सुबह के टाइम मैं नहाती हूँ, 12 बजे तक तो टाइम सारा काम हो जाता मेरा। भगवान जी को ऐसे हाथ जोड़ कर प्रणाम कर लेती हूँ और शाम को जोत बाती ज़रूर करती हूँ। तो अभी रूटीन थोड़ा ठंड के टाइम पे मेरा रूटीन भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो जैसा मौसम माहौल और जैसा सिचुएशन देखती हूँ वैसी सब कुछ मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो नाश्ता हो चुका है और अभी मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। तो ये फ्रिज से निकाला हुआ पतीला इतना चिल्ड है, अब पूरे पतीले को चढ़ाओ, 1 घंटे तक गरम करो। बहुत लोग ऐसे करते हैं फिर देते हैं, तो मैं वैसे नहीं करती हूँ। थोड़ा सा दूध, बस 1 कप से ज़्यादा दूध, इसको थोड़ा ज़्यादा गरम कर लूँगी और फिर इसको सब में डाल के सब मिक्स कर दूँगी, तो नॉर्मल पीने लायक गरम हो जाएगा। फिर वेट नहीं करना ना इतना। तो अब देखो मैं बच्चों को कैसे दे रही हूँ। और अभी सर्दी का टाइम है तो मैं ना शहद डाल कर देती हूँ बच्चों को इसमें दूध। देखो इसमें मलाई गया, ये मलाई खाएगी नहीं। किसी को मलाई पसंद है, किसी को मलाई नहीं पसंद है। रात को तो सब कोई दूध पी ही चुके थे, तो ये सुबह के टाइम में मैं बस 1-1 कप देती हूँ। रात को हल्का वाला दूध देती हूँ और सुबह जस्ट बस ऐसे शहद डाल के इनको दूध देती हूँ सुबह के टाइम में। और ये सर्दी है तो मेरे लाइफ में तो लेकिन किंतु परंतु बहुत ही चलता है, तो वैसे ही मैनेज करती हूँ। तो ये है दूध जो कि मैं बच्चों को दूंगी, 1-1 चम्मच शहद डालकर मिक्स करके। तीनों को 1-1 करके देना पड़ता है इनको। रात में हल्दी वाला दूध देती हूँ और सुबह के टाइम में नाश्ता के बाद शहद डालकर दूध देती। सर्दी है इसीलिए इनकी केयर करनी पड़ती है। और देखो ये पूरा गरम गरम कपड़ा, कितना मोटा मोटा कपड़ा पहना के रखी हूँ। अभी ये धूप में जाकर बाहर खेलेगा। ये बड़ी वाली बेटी, ये छोटी वाली की इसे पसंद नहीं, बोली मम्मा क्यों वीडियो बना रही हो। तो बस उनको दूध देने के बाद मैं अपना ये टब, पोछा वाला टब लेकर नीचे आ गई, नीचे फ्लोर पे सफाई करने। पहले मैं नीचे सफाई कर लेती हूँ फिर ऊपर जाती हूँ। बच्चों को नीचे भेज दूँगी, वो धूप में थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद ही फिर मैं ऊपर की सफाई करूँगी। तो ये मेरे घर के बाहर का अच्छी खासी धूप है, कुछ लेडी से बैठी है, मेरा बेटा निकलते ही खेलने लग गया। तो कोई नहीं, मैं नीचे सफाई कर रही हूँ, जब तक वो सब खेल रहा है मैं सबको बोल रही हूँ इनका ध्यान रखना। और ये देखिए दोस्तों मेरे घर का ये हाल, ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। बहुत बुरा लगता है, इतनी अच्छी पेंटिंग करवाई थी हमने, 2-3 साल भी नहीं टिका, बहुत पैसे भी लगे थे पूरे पेंट करवाने, इसीलिए ऊपर हमने नहीं करवाया, नीचे ही अभी करवाए थे। ये सीलन आ गई है पूरे दीवार में, बहुत बुरा लगता है। ऊपर की ओर तो बहुत ही अच्छा है, कुछ नहीं हुआ, पर नीचे नीचे सीलन आ गई है बहुत, आधे आधे दूर तक। और उसके वजह से तो ये मैं अपना काम स्टार्ट कर दी, मेरा पोछा हो रहा, साथ ही मैं गाना भी गुनगुना रही हूँ। दिन में रातों में खामोशी में बातों में सूरज के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम। तो पूछा हो गया ऊपर की भी, उसके बाद भी बहुत सारा काम की। ये शाम का टाइम था तो मेरे बच्चों ने, आज क्रिसमस का दिन था, बच्चे डिमांड किए मम्मा केक बनाओ, और घर पे कुछ भी नहीं था, ना ही बेकिंग पाउडर ना ही मैदा, तो मैं किससे बनाऊँ। फिर भी मैंने दिमाग लगाया, इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी हूँ। वो केक बनाई थी सूजी का
और ये आलू की टिक्की बनाई थी बच्चों के लिए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने टेस्ट करके भी, मैं आप लोगों के साथ टेस्ट भी नहीं शेयर की, मैं खुद भी टेस्ट नहीं करी थी। मेरा सर पे गैस चढ़ गया था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वीडियो में तो आप लोगों के लिए थोड़ा स्माइल देना पड़ता है। पर सर में सुबह से ही, मेरे दोपहर के बाद से मेरे सर पे दर्द था, पर फिर भी मैं काम कर रही थी। दोपहर को पता नहीं क्यों, लंच करने के बाद से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और सर में एक साइड से दर्द था मुझे। तो जब भी मुझे ऐसा होता है ना, मुझे एसिडिटी बनती है और पित्त बन जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, पानी पीती हूँ, क्योंकि जब तक मैं उल्टी ना कर लूँ ना, मेरा सर का दर्द सही नहीं होता। तो इसके लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए। तो इकट्ठे मैं एक लोटा और एक गिलास पानी पी हूँ, उसके बाद फिर जाके बाथरूम में जब उल्टी करी हूँ तब मुझे शांति मिली है। और उल्टी करने के बाद मुझे बहुत ठंड लगी, फिर मैं सो गई थी। और उसके बाद खाना तो कंप्लीट था, सब खाए थे, पर रात को मैं हस्बैंड को बोल दी थी आप खुद ही खाना, बच्चों को भी खिला देना, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो मैं ये भी शूट कर ली कि चलो सब बातें शेयर करती तो ये भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो देखो आप लोग, मेरी सारी फीलिंग्स होती है मेरे वीडियो में, जो मैं करती हूँ, जो खाती पीती हूँ, जो काम करती हूँ, वही शेयर करती हूँ। बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं लग रहा था। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रेसिपी जो है इसकी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, मैं चली।